वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोवियत यूनियन के आइकॉनिक फाइटर जेट SU-27 फ्लैंकर के बारे में, जो आगे चलकर US और नेटो के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। तो कोल्ड वॉर के दौरान जहां US ने F-14 टॉमकैट, F-15 ईगल और F-16 फैल्कन जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को बनाया था, जो उस समय सोवियत यूनियन के किसी भी फाइटर जेट से ज़्यादा लाइटर और ज़्यादा फास्टर होने के साथ ही बेहतरीन डॉग फाइटर भी थे, जिन्होंने सोवियत यूनियन की जो लीड थी US या नेटो पर उसे खत्म कर दिया था। इससे पहले सोवियत यूनियन के जितने भी फाइटर जेट थे वो किसी भी नेटो कंट्रीज के बनाए गए फाइटर जेट से हर मामले में बेहतर हुआ करते थे, लेकिन अब सोवियत यूनियन नेटो से इस मामले में पिछड़ता जा रहा था। तो 1969 के दौरान जब सोवियत यूनियन ने US एयरफोर्स के FX प्रोग्राम को देखा, जो आगे चलकर F-15 ईगल होने वाला था, तो सोवियत लीडर्स ने सुन ये रियलाइज किया था कि नया अमेरिकन फाइटर सोवियत यूनियन के करंट फाइटर्स के कंपेयर में US को सीरियस टेक्निकल एडवांटेज देगा, जो आगे चलकर सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। तो इसे काउंटर करने के लिए सोवियत जनरल स्टाफ ने एक PFI जारी की, प्रस्पेक्टिव फ्रंट लाइन फाइटर, जो कि रफली उनका एडवांस फ्रंट लाइन फाइटर था। इसके तहत उन्हें एक ऐसा फाइटर जेट बनाना था जो साइज में बड़ा हो, ज़्यादा वेपन्स को कैरी कर सके, जिसकी रेंज ज़्यादा हो, सुपर मनूवरेबल हो और साथ ही उसकी स्पीड Mach 2+ की हो। मार्च 1971 में तीन कंपनीज मिकोयान, याकोवलेव और सुखोई ने अपनी अपनी डिजाइन पेश की, जिसके तहत वो सोवियत यूनियन के लिए एक अल्टीमेट फोर्थ जनरेशन फाइटर को डेवलप कर सके। मिकोयान ने एक लाइट एडवांस डिजाइन दिखाया, जिसे उन्होंने MiG-29 का नाम दिया। याकोवलेव ने अपना Yak-45 डिजाइन लेकर आई और सुखोई ने हैवी वेट कैटेगरी के तौर पर SU-27 की डिजाइन को दिखाया था। यहाँ पर रशियंस ने यह भी रियलाइज किया कि उन्होंने अपनी फोर्थ जनरेशन फ्लीट में हैवी वेट कैटेगरी के फाइटर्स के साथ ही उन्हें लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने MiG-29 डिजाइन को अपने फ्यूचर लाइट फाइटर के तौर पर चुना और SU-27 को हैवी वेट फाइटर के तौर पर चुना। इस तरह MiG-29 और SU-27 अपने अस्तित्व में आए। इसी के साथ जल्दी एक प्रोटोटाइप के निर्माण का काम भी चालू किया गया। इस प्रोजेक्ट को T-10 का नाम दिया गया। पहले फुल स्केल मॉकअप T-10-1 की ग्रेसफुल और स्लीक डिजाइन ने उन सबको प्रभावित किया जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। 1977 में प्रोजेक्ट के 6 साल बाद इसका पहला T-10 प्रोटोटाइप कंप्लीट हो चुका था और अपनी फ्लाइट टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार था। 20 मई 1977 को जुकोवस्की में टेस्ट पायलट व्लादिमीर ने पहली बार T-10 को उड़ाया था और वो इससे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा कि पहले के फाइटर जेट्स में उन्हें हमेशा लगता था कि वो इन फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन T-10 को उड़ाने के बाद उन्हें पहली बार यह लगा कि ये फाइटर जेट्स उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इस समय तक यह एक ऑफिशियली सीक्रेट फाइटर था, लेकिन अब सोवियत यूनियन इसे पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थे। अगले 2 सालों में इसने 30 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे और इसके टेस्ट पायलट विक्टर पुगाचेव ने F-15 के क्लाइंब रिकॉर्ड को 2 सेकंड से तोड़ दिया था। साथ ही दूसरे पायलट निकोलाई ने F-15 के क्लाइंब रिकॉर्ड को 1 मिनट और 16 सेकंड में 15 किलोमीटर की क्लाइंबिंग करके 7 सेकंड से तोड़ दिया था। इसकी शानदार परफॉर्मेंस ने SU-27 को उस समय का सबसे कैपेबल और मनूवरेबल फाइटर बना दिया था। 1987 के दौरान जब SU-27 ऑपरेशनल पेट्रोल कर रहा था, तब पहली बार नेटो को इसकी क्लियर इमेज मिली थी और उस समय ली गई इमेज वेस्टर्न इंटेलिजेंस के पास पहली क्लियर इमेज थी। आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन ने पेरिस एयर शो में SU-27 को डिस्प्ले करने का और इसे दुनिया के सामने लाने का मन बनाया। इसने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और एयर टैंकर सपोर्ट के बिना जुकोवस्की से पेरिस तक नॉनस्टॉप फ्लाई करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि वेस्ट को ये पता चल सके कि SU-27 आसानी से यूरोप के आधे हिस्से को पार कर सकता है और SU-27 के पास किसी भी दूसरे फाइटर जेट की तुलना में ज़्यादा रेंज है। और पेरिस एयर शो के दौरान इसने अपनी इनक्रेडिबल मनूवरेबिलिटी से ऑडियंस और एविएशन एक्सपर्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। और यहीं पर विक्टर पुगाचेव ने फेमस कोबरा मनूवर को परफॉर्म किया था, जो आज तक फ्लैंकर के साथ एक ट्रेडमार्क की तरह जुड़ा है। इस एयर शो में चाइना और इंडिया के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और वो SU-27 से काफी इंप्रेस भी थे। सोवियत यूनियन को आने वाले सालों में दोनों कंट्रीज से बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलने वाले थे। चाइना ने SU-27 को खरीदा और अपनी खुद की कॉपीज भी बनाई और आगे चलकर उन्होंने मल्टीरोल SU-30 को भी खरीदा, जिसे SU-27 से ही डेवलप किया गया था। हालांकि इंडिया भी SU-30 को खरीदना चाहता था, लेकिन इंडिया की अलग अप्रोच थी। इंडिया चाहता था कि उसके खरीदे गए SU-30 में वो अपने चॉइस के एवियोनिक्स को डाले। इंडिया ने आगे जाकर अपने SU-30 में वेस्टर्न कंट्रीज से एवियोनिक्स डलवाए, जो SU-30 MKI के नाम से जाना जाने लगा और वो SU-30 का सबसे एडवांस वेरियंट भी था। आगे चलकर इंडिया SU-30 का सबसे बड़ा ऑपरेटर भी बन गया, जिसके पास 272 के नंबर में
में SU-30 थे। 1992 के दौरान आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बातचीत के बाद SU-27 ने अपने कॉम्पिटिटर F-15 के साथ मॉकअप कॉम्बैट के लिए वर्जीनिया में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का फ्रेंडली दौरा किया, जहां पर SU-27 और F-15 के बीच दो राउंड की डॉग फाइट कराई गई, जिसमें SU-27 ने दोनों राउंड को जीत लिया और अपनी कैपेबिलिटी को अमेरिकन को दिखाया। अमेरिकी जनरल ने 2-सीट वेरियंट SU-27 में उड़ान भी भरी और उन्होंने खुद ने यह माना कि SU-27 अमेरिकी F-15 ईगल से हर मामले में बेहतर फाइटर जेट था। SU-27 की कैपेबिलिटीज और फीचर्स पर नजर डालें तो इनिशियल SU-27 प्रोडक्शन मॉडल में एक कम्प्लीटली एनालॉग कॉकपिट था, साथ ही रडार के लिए एक छोटी डिस्प्ले भी थी। पायलट के अपने वेपन्स को यूज करने के लिए इसमें एक हेलमेट माउंटेड साइट को भी इंस्टॉल किया गया था। इसके अंदर जो रडार लगाया गया था वो एक मैकेनिकली स्कैनिंग रडार था जो फाइटर साइज टारगेट को 100+ किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकता था। साथ ही इसमें एक ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया था जिसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर शामिल था, जिससे SU-27 अपने रेडार का यूज किए बिना, खुद को एक्सपोज किए बिना टारगेट को 50 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता था। क्लोज कॉम्बैट सिनेरियो में ये फीचर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल थे। वहीं रडार, ऑप्टिकल सेंसर और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले आपस में जुड़े हुए थे जिससे ऑप्टिमल कॉम्बैट परफॉर्मेंस मिल सके। तो इसके कंपैरिजन में F-15 ईगल में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और IRST जैसे सिस्टम्स मिसिंग थे। साथ ही SU-27 में 10 हार्ड पॉइंट थे जो एयर सुपीरियोरिटी मोड में 10 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकते थे, जिन्हें बाद के मॉडल में बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। ये लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट की तुलना में डबल था और F-15 की तुलना में ज्यादा था, और ये सारी खूबियां इसे उस समय का सबसे मैनूवरेबल और डेंजरस फाइटर जेट बनाती थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।